वैसे नहीं, टिकटॉक हम लोग 10 सेकंड ही देते। What's up? My name is Adro Flow and welcome to my channel. Namaskar, sat sri akal, salam, kya haal hai aap sabka? Be happy, be stay happy, stay humble, stay human. So guys, Rishi bhi aa gaya hai gaon se. Ek saal baad. So guys, ek saal baad Rishi aa gaya. So guys, the year is 2024 aur date pe aap log dekh lo. Aur ek cheez mere ko bolne ka tha. जो वो जो व्लॉग अपन ने बनाए थे, तू जब जा रहा था अमृतसर, तो वो व्लॉग में मैंने बोला था कि द ईयर इज 2023, नहीं नहीं उसके बाद वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने बोला था कि द ईयर इज 2023, तो नीचे ऐसे महान लोग हैं। अच्छा बोल रहे थे, आप गलत बोल रहे हो, अदनान 2022 चल रहा है, कौन सी दुनिया में, मतलब क्या कर रहे हो? पुराना व्लॉग नहीं देख लेंगे, डायरेक्ट वो व्लॉग देख ले रहे हैं। अरे बट वो व्लॉग में भी तो मैंने ये बोला ना कि एक साल बाद आया है, कैसे बोल रहे हो, उनको नहीं समझा लिया जो पहली बार देखा है, जाने दो, छोड़ो, माफ किया, बट इतनी छोटी छोटी हरकत मत किया। क्लियर बता दे तो गाइस, उस वो जो एक पहले वीडियो था उसमें ये गया हुआ था बाहर, हमने ऐसे एक वीडियो बनाया कि ये एक साल के लिए जा रहे हैं, मैंने ऐसा बोला था, तो ये वापस आया, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैंने बोला कि 2023 आ गया, मस्ती में सरकाज्म, तो लोग रियल समझ गए, कितनी प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या हो गया। तो गाइस फाइनली ऋषि के आने के बाद हमने मिर्जापुर का सीजन 2 भी खत्म कर दिया है, इसको फिनाले में देखने का, जिसकी भिंगरी आउट हो चुकी है, मजा आ गई है, बकले बस कर दे अब, नहीं अभी हम गाड़ी में घूम रहे, हर जगह यही बात कर रहे हैं, तो अभी बंद, एक दो दिन चलेगा अभी मेरा ये। और गाइस फाइनली विशाल ने KGF 1 भी देख ली है, हाँ वो भी बता दिया हमें, तो अब अपन KGF 2 जाएंगे, मैं ये बोलने वाला, और आज जाएंगे, हो सके तो, हो सके तो, मैं तो बोलता हूँ अभी चलते हैं ना, अभी गाइस सुबह हो गई है वहाँ पे, आप देखो तो दिन निकल गया है, और आपको तो पता है कि क्या टाइम हो रहा है, 7 बजे नहीं सोने का पार, हम लोग 2-3 दिन से पानी नहीं भर रहे घर में, तो अभी घर जाना है, और 8 बजे पानी आता, अभी बज रहे हैं 7, तो थोड़ा जुगाड़ बिठा रहे हम लोग पानी भरने के लिए, बाल्टी वाल्टी रख रहे हैं 2-3, बट एक साथ कैसे रखेगा 2 बाल्टी पागल, अरे बाहर वाले में भी तो रखना पड़ेगा ना, बाहर वाला नहीं खोला है मैंने, अच्छा क्या लेफ्ट में खुलता है ना, अरे माँ क्या हुआ, ठीक है, अबे वो गोबर लगाया था ना इसपे मैंने, उल्टा आ गया था ना पेट में से, छी भाई देख दो इसका भी कोई काम नहीं, पूरा अगर बॉल खुलेगा ना तो ही पानी आएगा, आधे आधे उसमें नहीं आता, ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, पानी भर के देख पहले, तू भी चालू हो गया, अबे मैं उसको देख के किया, नहीं देखो गाइस इधर चीज दिखाता हूं, मत दिखा मत दिखा, अरे रे रे मेरे घर वाले देखेंगे बोलेंगे कीड़े अंदर से, सीधे कब का ये विशाल भाई, तो फेंक देना बाहर, अभी भी वहीं रख रहा है, अबे वहां कहां फेंक रहा है, बाथरूम में फेंक रहा है, नंगे थैली में डालो, थैली चुप, हाँ देखा अभी मैंने, कौन था दरवाजा बंद करने गया, लोगों ने भी देखा, आपने देखा क्या सच्चाई बोलते, दरवाजा बंद करने गया था, उसके हाथ में हथियार था ना, भी देखा इसलिए मैंने मंडा रिकॉल कर दिया, ये हम ट्रिप से घूम रहे हैं, कुछ घुमाना थोड़ा, घूमना है बिल्डिंग में, घूम रहे हैं ना अभी, बाहर घूमना है भाई, अपने को कब कितना टाइम हो गया, इसलिए तो बोल रहा हूँ बाहर चलते हैं, चलो गाइस मिलते हैं आपको घर पहुंच के अकेले, बाय, मेरी मम्मी की भी आज तबीयत थोड़ी खराब है, मेरी तबीयत खराब हुई अभी, वो मेरे को लग रहा है कि वायरल चालू है पूरे हर जगह, सबकी तबीयत खराब हो रही है, अभी मेरे बाद मम्मी की होगी, मेरी थोड़ी सही है, मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी मम्मी काम कर रहे हैं, है ना, मम्मी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोचा हो, जिब्रान भाई और मैंने एक कुक रखना है, मम्मी को आराम करवाना है, अभी काम नहीं कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं बनाना अभी, ठीक है, खाना पसंद आएगा क्या, जरूरत थी दाढ़ी और बाल वाल थोड़ा ट्रिम करने की, तो इसके लिए ऑलराइट गाइस, तो ये घर पे मैं आ चुका हूँ, आज का रूटीन थोड़ा अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो गाइस आज का रूटीन थोड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सुबह में निकले, और यहाँ से निकल के जाने के बाद नसीब से फट से नींद लग गई, और आज मैं थोड़ा जल्दी उठा, फिर सब काम वाम किया, दाढ़ी वाढ़ी बनाया, फिर उसके बाद जिम गया, और आज क्या हुआ, कहाँ से चांद निकला,
तू भी आज चांद निकला अपने जिम में। आज जिम में चांद निकल के आया, काला चांद। आज जिम का ओनर जिम बेचने वाला था, वो पागल हो गया, उसकी सटक गई, बोले ये कौन आ गया ये। ओह माय गॉड। और गाइस आज बहुत बड़ा कांड भी हो गया, विशाल बहुत मार खा के आया। देखो आज देख रहे मुंह फूट गया है, मुक्के मुक्के पड़े बेल्टे बेल्टे। भाई एक बात ऐसा दिमाग में आई मेरे, अपनी शक्ल देख के, हाँ मुकड़ा देख के, कि यार सोचना ये व्लॉग कोई देख लिया अपना, और ये व्लॉग में अपन विनती कर रहे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देख लिया, तो गाइस दिल चाहता है जैसे इसी दोस्तों पे मूवी बना दो। अरे वो छोड़, अगर अपने तीनों पे सॉन्ग बना दिया तो सॉन्ग कोई डायरेक्टर या यार सॉन्ग तो बनना चाहिए, सॉन्ग तो बनना चाहिए एटलीस्ट। कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देख रहा है तो हिट मी अप ऑन माय ईमेल आईडी। इस पे मत करने, सोता पड़ा रहेगा, मेरे वाले पे कर दो। छोड़ो इसको भी, ये देखता नहीं है, मेरे वाले पे करना, मैं ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ। बट लेना हम तीनों को, इसको भी करो, इसको भी मेल करो, मैसेज करो, मिल लो, बट ऐसा एक दोस्ती वाला सॉन्ग बनाओ यार। लेकिन ज्यादा स्क्रीन स्पेस मेरे को चाहिए। नहीं नहीं, 3 मिनट के सॉन्ग में तीनों को एक एक मिनट दिखाना है, तो इसका तेरे अलग से सॉन्ग कैसा भिखारी है रे। मैं तुम लोग का सीनियर हूँ, चल सीनियर, सो चल सो सोनी तो बोला मैं, सो भी बाकी सही, भी सही है। तो गाइस कोई देख रहा है तो बनाओ यार हमारे पे सॉन्ग। कोई सॉन्ग नहीं देगा भाई, वापिस आ, वापिस आ। मुंह बनाता है मादर जात। ओह माँ, एक दिन में जिम में इतनी ताकत, इतनी ताकत कहाँ से आ गई एक दिन में भाई। हट, क्या उछ रहा है, करीब मत आ मेरे। अच्छा जब तक तू ये व्लॉग डालेगा ना, न्यूज़ दे दे दो गाइस। एक और सॉन्ग आ रहा है मेरा, हाँ मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है गाइस, ये देखो उसका पोस्टर एक्सक्लूसिव ऑफ एंड एक्सक्लूसिव की बात हो रही थी, उसमें खुद का सॉन्ग घुसा दिया, एक्सक्लूसिव तेरे व्लॉग में दिखा रहा हूँ। उसने वीडियो में सबूत बोल दिया ना कि मेरे को ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए, बहुत सीनियर हूँ ना बनता है, सीनियर शॉट दूंगा ऐसा। बाकी बंदा बहुत अच्छा है लेकिन आज कान भी नहीं जला रहा है, पूरी की पूरी कान जला देता है। दिखा ये कौन है वो? 40 कॉपीराइट ना आ जाए मेरे को बस। मैं हूँ ना, मैं नहीं आने दूंगा। इसी में तो एपिक फैम जैम के उस पे आया था, ऐसा संभाला भी था मैंने। एक इनसाइडर स्टोरी बता दो, एपिक फैम जैम वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। जब मैंने यूट्यूब चालू किया था तो एपिक फैम जैम वाला व्लॉग मैंने डाला था, मैंने जितना हो सके उतना म्यूजिक नहीं डाला, जितना हो सके मैंने बचने की कोशिश किया कॉपीराइट से। बट जो एपिक फैम जिसने ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि उसकी तरफ से मेरे को कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आ गई थी, स्ट्राइक आ गई थी। नींद में सोटा, ये मेरे बाजू में सो रहा था। हाँ व्लॉग अपलोड करके उसी दिन नेक्स्ट डे अपलोड किया था। मैं बोला विशाल मैं तेरा मर्डर कर डालूंगा, कोई कुछ कर ये इसको मैं बोला था, मैंने डाल रहा हूँ कुछ सीन तो नहीं बोलता, नहीं डाल और मेरे को स्ट्राइक आ गई, तो मैंने इसके ना अंदर दम कर दिया, मतलब तो तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या है ना, वो सब पहचान में थे तो हो गया सब सही, स्ट्राइक वाइक हट गई। तो गाइज अचानक से हम लोग बेडरूम में आ गए कोजी होके, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट्स पे कुछ आ रहा है, और लोगों से भी थोड़ा बहुत सुने, क्योंकि वो जो मुनव्वर फारूकी है उसके वन लाइनर्स बहुत सारे शॉर्ट्स पे दिख रहे हैं, वो भी लॉकअप जीता भी, लॉकअप जीता भी है। तो गाइज देखते हैं कि क्या हाइप है। मैंने तो एक्चुअली पूरा वीडियो तो सब उसका कुछ देखा नहीं, और अपन ने उसके एक दो मतलब कॉमेडी के वो दिख गए थे, हां वो एक दो शॉर्ट्स जो आते हैं उसमें दिख गए थे। तो गाइज देखते हैं ये हाइप किस बात का है। 4 3 2 1 एक्स्ट्रा 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 गुड। वैसे भी टिकटॉक लोग 10 सेकंड ही रहते। बाकी वो जो टाइम पे उसने दिया ना, वो सही था, जो उसने वो दिया ना टाइमिंग बहुत अच्छी थी। वो यूट्यूबर होकर भी आए, मैं टिकटॉकर होकर भी आया, तूने 20-20 एक एक घंटे की वीडियो बनाई, 10 सेकंड की बनाई, सेम लगा। अरे नहीं फुसफुसा रहा था, आवाज बैठ गई है, पानी भी जानी है तुम लोग ने, फुसफुसा नहीं क्यों था, पानी भी जानी। थानोस से याद आया, मेरे दुश्मनों के रात के ख्यालों में मैं हूँ, और सुबह की पहली चाय के प्यालों में मैं हूँ। अच्छा, और इस साल लॉकअप सीजन 1 का थानोस भी मैं हूँ और आयरन मैन भी मैं हूँ। क्या बात है, दोनों मर जाते।
भाई कहाँ से ला रहे हैं रो रहा है उसको मतलब इसका डाला है अलग सी कहाँ से लाते हैं इतना प्रेजेंस क्या बात है दोनों थानोस भी मैं आयरन मैन भी मजा आ गई भाई मस्त वापस देखेंगे थप्पड़ मारा के लात भी पड़ जाए वरना मैं लात मारता हूँ मैं लात मारता हूँ वो लात मार के तो देखा साइड में थप्पड़ मारने लगा वाला की तरह इतना येड़ा आदमी है उसको इसलिए मारा दूर 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 उसको सूझाएंगे इतना बेचारा दूर दूर बोले कूद कूद बोली बेचारी गुस्से में थी ना हड़बड़ा गई तो फिर चलो आप तो केबिन से निकल रहे हैं मैं दे रहा था आपको चला का भूल गए नहीं नहीं बाल को कौन भूल सकता है ऑडियंस वो भी ऐसी है ए भाई एक नंबर भाई पता है इस शहर में जो उसके दुश्मन होंगे ना अंदर वो भी हंसरे रहेंगे सही में बाप रे बाप मस्त किया तो गाइस ये थे कुछ क्लिप्स मजा बहुत आई सच बोलू तो हाँ अच्छा है चलो बाहर जाते अब बाहर बकचोदी करेंगे बकचोदी ये कैसे लगा तेरे को अपने फाइट में लगा क्या अभी अरे माँ नहीं नहीं झूठ मत अदनान झूठ मत बोलना मेरी हालत देखो क्या है ये दोनों के सामने ये सांड बैठा है यहाँ पे दूसरा सांड मैंने क्या किया नहीं मैं हालत बता रहा हूँ ना दोनों एक मिनट नहीं मैं बोला क्या लगता है जिसमें जितने में मैंने और अदनान ने किया उसमें इसको ये होएगा देखो गाइस क्या किया उसने ये नीचे लोग जब लड़ रहे थे ना तब हुआ था क्या हुआ बताना ये देखो नीचे लोग मस्ती कर रहे थे नीचे का मस्ती करे देखो ऋषि झूठ मत बोला ये देखो ऋषि ये देखो इसने भी किया है ये मैंने नहीं किया कल की बात हुई है देख लो आज की बात नहीं है परसों की बात ही है हाँ मैंने इसने किया है ये देखो कितना गहरा चोट दिया सेम चोट है एलजे ना एलजे ऋषि सो गाइस अभी हम लोग अंदर बैठे थे और देखे मुनव्वर फारूकी के अच्छा लगा और नेक्स्ट लॉकअप में हम तीनों भी जाने वाले बात हो गई है तीनों रहेंगे तो फिर एंड में क्या होएगा एक दूसरे के अगेंस्ट होना पड़ेगा मैं जीतूंगा और क्या होगा बता क्यों जीतेगा जीतेगा नहीं बट एक दूसरे के अगेंस्ट होना पड़ेगा अपने को हो सकता है लेकिन तू बता क्यों रहा है एग्रीमेंट अरे सॉरी सॉरी गाइस अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्या है और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं जैसे जन्नत जुबैर फैज अरे तू फिर अरे सॉरी सॉरी गाइस तो गाइस आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा सिंपल सा सादा था जन्नत नहीं आएगी नहीं अरे क्यों बोल रहा है जन्नत आएगी फैजू तो गाइस बहुत बकचोदी हो गई तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप बताओ और सिंपल सा सादा सा व्लॉग था आज का कैसा लगा और आपको नेक्स्ट क्या चाहिए वो नीचे कमेंट करो तो या गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना चैनल डिसलाइक भी कर सकते हैं बट मत करना फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ जब तक के लिए सावधान रहे सतर्क रहे सुरक्षित रहे बाय गाइस और कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है तो हिट मी अप है ना तो प्लीज वोट करना इसके लिए वापस से किया स्टार्ट